रब मेरा याले है के मैनु कुछ काट ना होवे। और मैंने लोगों को फंसते हुए भी देखे हैं। मैं और मेरा दोस्त हम इकट्ठे मसीह में आए थे। जब हम मसीह में आए तो मेरा ध्यान जल्दी मसीह में बढ़ता गया और वो भी बढ़ता गया मेरे साथ। एक दिन उसके घर वालों ने बुलाया और बोला, अगर तू चर्च गया तो प्रॉपर्टी से बेदखल ना तेरी शादी करेंगे, क्योंकि वो भी मेरी तरह खत्री खानदान से था, हिंदू खानदान से था वो। उसको लालच दिया गया, अगर तू मैरिज करे, अगर तू प्रभु को छोड़ दे, तेरी पहले मैरिज कर देंगे, उसके बाद तो वो दुकान दे देंगे, प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देंगे। पहले उसकी मैरिज हुई, उसके बाद उसको दुकान दी। कुछ महीने पहले मेरे को मिला वो। आज ना उसकी मैरिज कामयाब है और ना उसको हिस्सा मिला दुकान का। मेरे पास हिस्सा भी बड़ा है और मेरी आशीष भी मैरिज में है। आपका मीन छोटा है चर्च। एक दिन मेरे को फोन आया, कहता मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छा, मैं मिलता नहीं हूं किसी से, पर पता नहीं क्यों मेरी अंदर से अगुवाई हो रही, पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ मेरे दिल में आ रही है चीज कि मैं तुझसे मिलूं। मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मैंने वाइफ को बिठाया, हम उससे मिलने के लिए गए। वो देख रहा था अभी भी कोई बाइक पे आएगा। जब मैंने गाड़ी खड़ी की बड़ी सी उसके सामने ठाक, उसने चप्पल डाली हुई बाइक पे बैठा हुआ। मैंने उसकी वाइफ से पूछा, मैं कह कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सानू क्यों आया? असी बिल्कुल ठीक है। मैं कह फंस गया तू, कितनी बातों को समझ रहे हैं। मेरे को इतनी हंसी आई उस दिन, मैंने कहा काली काली सी ब्याह करा दी तेन। कितने समझ रहे मेरी बात को? मैं, मेरी वाइफ हैरान कि ऐसा भी नेचर होता है लेडीज का। बाद में जब हमें समझ आई तो वो अकेली उस लेडीज की गलती नहीं थी, क्योंकि प्रभु को छोड़ के जो आप पाओगे वो आप गवाने वाले हो। हालेलुया। आप नहीं जानते क्या कर रहे हैं परमेश्वर हमारी लाइफ में। अगर आप जानते होते तो आप कभी निराश ना होते। आमीन। वो आपको बचाते हैं, आपने आपको नहीं बताऊं। जो प्रभु को छोड़ के गुड न्यूज आप लेके जा रहे हो वो बैड होने वाली है। बैड के साथ रहो, चाहे यीशु मसीह के साथ रहना पड़े, बैड के साथ रहना पड़े यीशु मसीह के साथ। उससे टाइम नहीं लगता, उसने बी ए हटाना है और जी ओ ओ लगा देना है, दैट्स इट। छोटे चर्च, कितने बातों को समझ रहे हैं।